हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको किसी भी गाने का सा पकड़ना सिखाऊंगा, हाउ टू फाइंड द स्केल और की नोट और सा ऑफ एनी सॉन्ग। सा इतना इम्पोर्टेंट एक नोट है कि सा के जाने के बगैर यू कॉन्ट प्ले एनी सॉन्ग ऑन हारमोनियम, पियानो एटसेट्रा। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट द स्केल एट फर्स्ट। उसके बाद आपको बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि यदि मुझे सा मिल गया, सपोज मेरे गीत का सा ये डी शार्प है, यानी दूसरी काली, तो मुझे पता है, यहाँ से मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि यदि मेरा सा ही है तो रे क्या होगा, गा क्या होगा, मा पा सा रे गा मा पा धा नी सा, सारे नोट्स हम तुरंत हमारे फिंगर पे होंगे। इसलिए सबसे पहले सा और की नोट को पकड़ना सीखें, या इसको दूसरी भाषा में स्केल भी बोलते हैं। एक तरीका मैंने और बताया हुआ है स्वर ज्ञान के जरिए, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में दिया हुआ है, तो यदि आप चाहते हैं तो उसको भी अवश्य देखें, कुछ ना कुछ आपको ज्ञान होगा स्वरों का। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्केल पकड़ना या सा पकड़ना किसी भी गीत का या ट्यून का, धुन का, वो एक ही बात है। सबसे पहले मैं एक धुन बजा के बताऊंगा आपको और आप उसको समझें। आपने ये धुन सुनी है, अब इसके सहायता से मैं बताता हूं कि कैसे नोट को पकड़ना है। मैं एक बार फिर से बजा के बताऊंगा आपको, जो स्केल होगा, आप ये समझे कि जो हमारी जो 12 स्केल है उनमें से कोई ना कोई एक नोट ऐसा होगा जिस स्केल पर ये धुन बजी हुई है, तो उसको आप फाइंड आउट करें इस पे हारमोनियम पर, उसको प्ले करके देखें, और जिस स्केल पर ये धुन बज रही है ये पूरे गीत में, यानी कि पूरे एंटायर जो धुन बज जाएगी जब तक, वहां तक यही एक नोट्स काम करेगा। देखना, मैं बताता हूं आपको। ये इस ट्यून का जो स्केल है वो दूसरी काली है, आप इसको दूसरी काली से मैच करें, बिल्कुल डिटो मैच होता है। और यदि आप इसके कॉर्ड को मैच करना है तो सा गा पा, इसका कॉर्ड यदि आपने देखना है स्केल माइनर पे है या मेजर पे, तो आप शुद्ध गा सा गा पा, ये कॉर्ड होता है। अगर गा शुद्ध लग रहा है तो शुद्ध लगाएं, और कोमल लग रहा है तो कोमल लगाएं, यहाँ पर कोमल गा लग रहा है, यानी कि ये डी शार्प माइनर पे है। अब आपने महसूस किया हो गया कि यदि मैं दूसरी काली को प्रेस करके रख रहा हूँ, दबा करके, तो पूरी धुन एंड तक इसी नोट के ऊपर मैच करती है। अगर मैं इसके अलावा कोई अदर नोट्स को प्ले करूँगा
दबा के रखूंगा तो वहां मैच नहीं होती। इसका मतलब ये डी शार्प, दूसरी काली इसका स्केल है। इसके जरिए मैं, मुझे ये पता है कि इसमें क्या क्या, अब मेरे को गा मिल गया, गा कोमल है इसमें, तो मुझे स्केल पता लग रहा है, सा रे गा मा पा धा। नी सा, नी का इस्तेमाल नहीं इसमें। इसमें सा रे गा है और मा नहीं आया, पा धा सा और रे यहां तक आया। बजा के देखते हैं। तो मुझे नोट्स मिल गए, गा रे सा रे रे गा रे सा पा दा सा 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 दा रे सा सा रे रे सा सा दा दा पा धा पा गा रे सा। ये राग से रंजनी की धुन है, यही बज रही। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि पूरी धुन या पूरा कोई भी सॉन्ग है आपका एक नोट ही, एक के अलावा ऐसा नहीं कि दो नोट पकड़े, एक नोट ही जो आपका स्केल होगा वो दबा के रखें आप पूरे गीत के, चाहे आखिर तक सुने गीत को, वही मैच करेगा तो वही उसका स्केल होगा। अब स्केल जानने के बाद में आप सारे गामा पादा नीसा, क्योंकि आपको एक नंबर पता चल गया तो दो तीन तो आपको पता ही है, सा के बाद क्या आता है रे, रे के बाद गा, तो मुझे सा मिल गया, रे मिल गया, कोमल गा मिल गया, पा धा सा और रे, पूरा मेरे को स्केल पता लगा। अगर मैं नीचे देखूं तो ये सा है तो नी नहीं आया उसमें, धा सा नी नहीं आया, धा पा और फिर ये गा आ गया। इस प्रकार आप किसी भी सॉन्ग को आसानी से बजा सकते हैं। देखिए पूरा मिल रहा है, देखिए एक नोट बता देता है तो आप यही टेक्निक सीखें। यही एक तरीका है स्केल पकड़ने का, एक नोट आप प्ले करके देखें, 12 जो हमारे स्केल होते हैं उसमें से एक स्वर कोई पकड़ता है पूरे गीत में वही चलता रहता है। तो सबसे अहम तरीका है ये, आपको गीत बजाना बहुत जल्दी आएगा। आप मोबाइल के ऊपर अपना गाना कोई सा भी ऑडियो वीडियो बजाइए, थोड़ा स्लो कर लें उसके मोशन को ताकि आप इजिली फाइंड आउट कर पाए, और उसके बाद स्लो मोशन में आप उसको देखें कि कौन कौन से स्वरों पर वो गीत जा रहा है, ऊपर कितने जा रहा है, नीचे कितने जा रहा है। दोस्तों तो आप इस तरह से कोई सा भी गीत बड़े आसानी से बजा सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।